फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय करियर पाठशाला। आज के इस MBBS अब्रॉड के सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कि जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन है, जो मेजर चैलेंजेज है, वो कैसे आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो और कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे तो माय करियर पाठशाला पे नीचे दिए गए नंबर पर आप जो कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम आपको बेटर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस करने की गारंटी देते हैं। तो आज का ये सवाल ये है कि रशिया के अंदर में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है और इतने सारे कॉल्स आने के बाद हर कोई आपको एक दूसरा ऑप्शन थमा देता है। रात में जो यूट्यूबर बैठे हैं 9 बजे इंस्टाग्राम पे, दो दो घंटे जो आपकी सेवा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप इंटेलिजेंट हो के फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको सुनने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए उसको लेकर के आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। जनरली क्या होता है कि जब आप इंडिया के कॉलेज को सेलेक्ट करते हो तो आपको तो समझ में आता है कि कैसे कॉलेज फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जब आप रशिया के कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो जो स्ट्रैटजी इंडिया में लगाते हो ना, वो रशिया में आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ से अवेयर नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलता है। जो आपको समझा दिया जाता है, जो आपको सिखा दिया जाता है, जो आपको बता दिया जाता है, उसी को सच मान करके आप जो है उसमें एडमिशन्स लेने की कोशिश कर लेते हो। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है न्यू एस्टैब्लिश्ड कॉलेज, जो सेकंड कैटेगरी है वो है ओल्ड एस्टैब्लिश्ड कॉलेज, और जो थर्ड कैटेगरी है वो ओल्ड एस्टैब्लिश्ड वर्सेस टॉप क्लास कॉलेज। तो हम लोग इंडिया भर से रशिया को कंपेयर करेंगे। जैसे अगर इंडिया के अंदर में आप किसी कॉलेज को फाइंड करते हो MBBS में, तो कैसे फाइंड करते हो? आप जो न्यू एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो अभी 1-2 साल में ओपन हुए हैं, जो अप्रूव्ड है, परमिटेड हैं, उसमें उस कॉलेज को आप लेने से बचते हो। क्यों बचते हो? क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं उस कॉलेज के अंदर में पेशेंट OPD ठीक है या नहीं है, उसमें रेगुलर फैकल्टी है या नहीं है, उसके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो यह है फर्स्ट लेवल की यूनिवर्सिटी जहाँ आपको स्मार्ट होकर के सिलेक्शन करना है। जो सेकंड है वो है एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस इन इंडिया। अब एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस इन इंडिया है जिसमें आप देखते हो कि कॉलेज कम से कम 15-20 साल तो पुराना हो गया है, जिसके अंदर में PG के ब्रांचेज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे कॉलेजेस में रेगुलर फैकल्टी है, उस कॉलेजेस की एक अपनी रैंकिंग है, उस कॉलेजेस के अंदर में हॉस्पिटल्स हैं, OPD है, तो वैसे कॉलेज की प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। सिमिलरली रशिया के अंदर में अगर आप देखो तो वैसे ही कॉलेज को सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए जिसके मिनिमम 2-3 बैचेज निकल चुके हैं, जिनके FMG के पासिंग रेट्स अवेलेबल हैं, या जिसको आप जानते हो कि हाँ वो कंप्लीट इंग्लिश टॉट, अगर नहीं भी निकला है और लगता है कि हाँ टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, कंप्लीट इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, उसके अंदर फैकल्टी काफ़ी सारी अच्छी है, उसका एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छा है, उसके अंदर में मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो आपके बजट में आ रहा है, तो वैसी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेक्शन है रशिया के अंदर में आपको करना चाहिए। जैसे वहाँ पर अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उलियानोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, स्मॉलेस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बशकीर है, क्रीमिया फेडरल, इस तरह की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, जिनका हॉस्टल्स अच्छा है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, वो वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, कई सारे बैचेज उनके कुछ बैचेज निकले हैं, उनमें परफॉर्मेंस आपको दिखाई दिए हैं, तो वैसी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन आपके लिस्ट में पहले होना चाहिए। वैसा नहीं कि आपको किसी का फ़ोन आ गया और किसी ने आपको समझा दिया, वहाँ खाने का दिक्कत है, तो वहाँ सोने का दिक्कत है, तो वहाँ रहने का दिक्कत है, और आप इसी चक्कर में, इसी उदेरमेंट में फंसे पड़े हो। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी की। जो थर्ड सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया के अंदर में वो वेल एस्टैब्लिश्ड टॉप क्लास टॉप नॉच कॉलेजेज हैं। जैसे आप इंडिया में अगर प्राइवेट में देख लें तो मणिपाल मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर कैंपस, जामिया हमदर्द दिल्ली के अंदर में, रमैया बैंगलोर के अंदर में, सेंट जॉन्स बैंगलोर के अंदर में, उस तरीके से अमृता विद्यापीठम हो गया, श्री रामचंद्रा हो गया, राजा राजेश्वरी हो गया, DY पाटिल हो गया, इस तरीके के जो कॉलेजेज हैं, अगर उनकी फ़ीस ज़्यादा है तो, अगर फ़ीस कम भी हो तो भी ये कॉलेजेस टॉप क्लास कॉलेजेज हैं, उनका एक अपना स्टैंडर्ड है। गवर्नमेंट की अगर बात कर ले तो जैसे BHU हो गया, AME हो गया, एम्स हो गया, इस तरह के जो स्टैंडर्ड के कॉलेजेज हैं उनके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द टॉप क्लास, चाहे इनका वर्ल्ड रैंक देख लीजिए, इनकी पढ़ाई देख लीजिए, इनका अकेडमिक्स देख लीजिए, इनका स्टैंडर्ड देख लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं।
उसी तरीके के लेवल के यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप रशिया के अंदर में अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन उसका रिटर्न आपको मिलता है, आपको एक फील आता है, एक मेजर फील आपको देता है कि यू आर इनटू समथिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो। सिमिलर फैशन में अगर कोई बच्चा मणिपाल में पढ़ रहा है और कोई यहाँ यूपी के किसी एक्स कॉलेज में पढ़ रहा है जो 4-5 साल पहले इस्टेब्लिश्ड है, तो दोनों के क्वालिटीज़ में आसमान ज़मीन का अंतर आएगा और आपको पढ़ने का भी फील डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सिमिलर टाइम में जब रशिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हो, टॉप स्टैंडर्ड रेटेड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हो, तो ऑब्वियसली उनका बजट थोड़ा ज़्यादा तो होता है, लेकिन उसमें पढ़ने का स्टैंडर्ड, उसकी फैकल्टी, उसके इंग्लिश टॉट कैंपस, वो वेल इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं और उसमें किसी तरीके का कोई लेवल का करप्शन नहीं होता। करप्शन इन सेंस कि मतलब वहाँ स्टूडेंट बैठ करके आपको एडमिशन्स नहीं करा रहे होते हैं अपने चैनल पर बैठ करके। ये सब यूनिवर्सिटीज़ में एक डिसिप्लिन होती है, एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल होता है, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको जो मेंटोर्स होते हैं, उनके जो सीनियर्स होते हैं, उनका एक अलग ड्रीम लेवल का होता है। जैसे इंडिया में मणिपाल का, एम्स का या जामिया हमदर्द के जो बच्चे होते हैं उनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, वो यूएसएमएलई यूके प्लस उस तरीके के स्टाइल के साथ अपने आप को मैच करते हैं, एक इन्वायरमेंट डिफरेंट क्रिएटेड होता है। तो सिमिलर तरीके से जब आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में रशिया में भी जाते हो, जिसमें आप कजान फेडरल है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पिराजोस्की रिसर्च स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस तरीके के जब टॉप क्लास फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है और भी वहाँ पर कई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है इस लेवल की, जब आप उसमें अप्लाई करते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से सेगमेंट में आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ वो टॉप क्लास को जो है लोअर बॉटम के साथ कन्वर्ट करके आपको बताते हैं कि वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ पे फलाना सुविधा है, ये सुविधा है, इस तरीके के चक्कर में आप फंसते हो और आपको पता ही नहीं चलता और मेजर इम्पैक्ट आपको आपके बजट को लेकर के कर दिया जाता है। बजट वाला भी एक वीडियो कवर करूँगा, जो कि बजट को लेकर रशिया में बहुत करप्शन चल रहा है, 22 लाख के बजट वाले कॉलेज 32 लाख 35 लाख से कम में नहीं पढ़ रहे हैं। जब आपको फिगर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि रियल सिनेरियो क्या है। तो ये तो है कॉलेज के सिलेक्शन करने की क्वालिटी। अब आपको कुछ बताता हूँ रशिया में आपको बच करके भी रहना है। रशिया में आज के डेट में स्टूडेंट एजेंट का बहुत बड़ा लॉबी चल रहा है, आपको इससे कैसे बचना है? आप जो रात में जो आप इंस्टाग्राम पर जो आपको 2 घंटा बैठ जाते हैं या यूट्यूब पर जो 2 घंटा बैठ जा रहे हैं, वो आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए वो वहाँ पर ना ही डॉक्टर बन पाए और ना ही कंसल्टेंट बन पाए। उनका किसी ना किसी के साथ टाई अप है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे हाई पिंग करने के लिए कहेंगे, वो वही बताएंगे। उनसे किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ की पूछ लो, जहाँ से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नेगलेक्ट कर देंगे कि मत जाओ। वंस मैंने सुना है कई बार कि वो कजान स्टेट जैसी यूनिवर्सिटीज़ को मना कर देते कि मत जाइए, क्या रीज़न बता देते हैं कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलेगा तो बाकी बच्चे कैसे रह रहे हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वैसी किसी भी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करके चले जाए। तो वैसे लोगों से आप बचना है आपको। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही नंबर को क्लिक करोगे, नेक्स्ट डे इंडिया से आपको फ़ोन चला जाता है। तो दे आर नॉट देयर टू सर्व यू, वो फ्री सेवा नहीं कर रहे हैं, दे आर ट्रैपिंग यू और आप फंस रहे हो उनके चक्कर में। जो खुद नहीं बन सके अब वो आपको भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, अगर किसी बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है वहाँ पर स्टूडेंट एजेंट के चक्कर में, तो आप उनके अकाउंट में पैसा गलती से भी मत जमा करिएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले साल कई सारे बच्चों के साथ करप्शन हो गया। रीज़न क्या होता है कि आप पैसा जमा कर देते हो उनके अकाउंट में, वो फीस मांगेंगे। अभी रशिया में डायरेक्ट फीस ट्रांसफर नहीं होगा, वो आपको इंडियन अकाउंट शेयर करेंगे, कहेंगे तो इसमें पैसे जमा कर दे, मैं यहाँ तेरे बदले में जमा करके रिसीव, उसमें 20-25-50 हज़ार रुपये आपका गायब हो जाएगा। वो आपके ट्रांजेक्शन चार्ज के नंबर पे, कन्वर्जन के नंबर पर ऐसे ही गायब हो जाने वाला है। तीसरा, लो पैकेज बता करके आपको खींचा जाएगा उस कॉलेज के अंदर में। जब आप पहुंचोगे तो देना आपको वही पड़ेगा जो सारे बच्चे दे रहे हैं कंसल्ट। आपको लग रहा है कि आपने सस्ते में करा लिया, नहीं, वहाँ मेंटल हैरेसमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो आपका सीनियर है वहाँ पर, और जब आपसे पैसा मांगा जाएगा कि ये कराना वो कराना है तो आप ना भी नहीं कर पाओगे, किसी को कंप्लेंट करने नहीं जाओगे। कोई इंडिया में नहीं बैठा कंसल्टेंसी जिसको कि आप कंप्लेंट करने जाओगे, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत थी, तो आप ट्रैप हो गए और मेंटल हैरेसमेंट के साथ आपको पैसा भी उतना ही पे करना पड़ेगा। तो इससे भी आपको बचना है। एक्चुअली फोर्थ एक और सेगमेंट से बचना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले। वो अब इस बिजनेस में आ गए हैं क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स वगैरह का। आज के डेट में देख रहा हूँ कि वैसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं रशिया में जिसमें बच्चों का फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि सेफ और सिक्योर्ड है, लेकिन उनको क्या है, उनको पैसे बनाने हैं। उनके कॉलेज के सिलेक्शन से साफ पता चलता है कि दे आर हेयर जस्ट टू मेक द मनी।
और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के डेट में अगर आपका एडमिशन प्रोसेस कराने के मॉडल में है तो इसका मतलब साफ है दे आर नॉट इनटू द मनी मेकिंग फ्रेम, और वो सिर्फ उनको या तो आपके कोचिंग के नाम पे पैसा चाहिए या फिर आपको एडमिशन के नाम पे पैसा चाहिए, मतलब उन्होंने एंटिटी को मिक्स कर दिया है। तो ऐसे मिक्स एंटिटी से भी बच करके आपको रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बने रहिए माई करियर पाठशाला के चैनल पर। Till then, keep liking and keep subscribing.